कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेसी राजा महाराजाओं की पार्टी नहीं, यह तो गरीबों की पार्टी है। सिंधिया पर तंज कसते हुए दिया बयान, कहा दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, कंगलों ने उन्हें संभाल लिया, बीजेपी पार्टी का नाम लिए बगैर साधा निशाना कंगलों को संभाल लिया है, कांग्रेस से निकाले हुए लोगों सहज लिया, उन दलों में नेतृत्व की कमी है इसलिए उन लोगों को सहज लिया है, और कांग्रेस गरीब लोगों की पार्टी है, राजा महाराजों की पार्टी नहीं है। जो एक व्यक्ति अपनी अस्मिता को चंद सिक्के में बेच देता है, कहे का राजा कहे का महाराजा, जो अपनी इससे तो कंगला व्यक्ति अच्छा, जो अपनी अस्मिता को नहीं बेचता। कई ऐतिहासिक पुस्तकों में विवरण है कि पिस्टल कहां से आई, कौन लेकर आया और गोसे को बंद कमरे में देकर आया, जहां तीनों चारों हत्यारे, भारत की तमाम सारी पुस्तकों में लिखा है, सत्य विवरण है यह। तो जब हमने सिंधिया के बारे में पूछा कि आपने सालों तक सिंधिया को क्यों, आपने सालों तक पार्टी तक रखा था, तो उन्होंने कहा किताब हमें अब मिली है पढ़ने को। कपिल सिब्बल पर भी जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव की पार्टी में गए हैं, अब वह अपनी जमानत तो बचा ले चांदनी चौक से। जो आदमी जहां चुनाव लड़े कल जीता, नागरिकों के लिए दरवाजे बंद थे, जनप्रतिनिधियों के दरवाजे बंद थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे बंद थे, ऐसा आदमी कांग्रेस ने पहले ही नकार दिया था और अब अखिलेश किया गया है। अखिलेश ने पहले ही अपना हाल देख लिया है और अब तो और देख लेगा। ये निर्णय बहुत पहले हो जाना था। एक और बात कि भारत विश्व में सबसे युवा देश है, यहाँ 65% आबादी युवाओं की है, तो कम से कम 65% आरक्षण पार्टी लेवल पे युवाओं को देना चाहिए। चुनाव जीतना हारना अलग चीज़ है, लेकिन युवाओं के हाथ में जब कमान आती है तो बदलाव की भय के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा वहीं कोई वहाँ गिरा, लेकिन कंगलों ने उन्हें संभाल लिया। जो कंगले हैं जिनके यहाँ नेतृत्व की कमी है, उन दलों ने उनको सहेज लिया, कांग्रेस ने हटा दिया, उन्होंने नकारा हुए लोगों को, कांग्रेस से नकारा लोगों को सहेज लिया, तो उनकी क्या दशा होगी उन दलों की, भगवान जान। हमारे गुट में नहीं, हमारी पार्टी में नहीं है, और ये राजा महाराजाओं की पार्टी है भी नहीं, कांग्रेस गरीब के लोगों की पार्टी है। तो इसलिए निशाना साधा जाता है कि एक व्यक्ति यदि अपनी अस्मिता को चंद सिक्कों में बेच देता है तो काय का राजा काय का महाराजा, इससे तो एक कंगला व्यक्ति ज़्यादा अच्छा जो अपनी अस्मिता को बचा के रखता है। कई ऐतिहासिक पुस्तकों में इस बात का विवरण है कि पिस्टल कहाँ से आई, कैसे आई, कौन लेके छुपा दे गोड़से को उस कमरे में दे के आया, जहाँ तीनों चारों हत्यारे बैठ के बैठा कर दे, तो भारत की तमाम सारी उन पुस्तकों में लिखा है, ये सत्य विवरण है, ये सही बोलो। तो इतने साल क्यों सिंधिया को आपकी पार्टी ने तवज्जो दी थी? वो किताब अब मिली हमको पढ़ने को, तो हम लोगों ने एक आखिरी सवाल था, कपिल सिब्बल तो आप अवेयर नहीं पाए, आप कपिल सिब्बल अखिलेश की पार्टी में जा रहे हैं? कपिल सिब्बल से पूछो कि तू भैया वापिस लड़के जरा जमानत बचा ले वहाँ से, कौन सा इलाका, चांदनी चौक से, जो आदमी जहाँ चुनाव लड़के जीता उन नागरिकों के लिए दरवाजे बंद थे, कांग्रेस के सांसदों के लिए दरवाजे बंद थे, कभी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का सुख दुख नहीं सुना, ऐसे आदमी की जरूरत कांग्रेस को थी नहीं, पहले ही नकार दिया गया था। तो लूटे पिटे माल को यदि अखिलेश ले रहा है तो अभी तो तेरी गति अखिलेश ये हुई है, आने वाले चुनाव में और क्या गति होगी अखिलेश, समझ।